फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइटर अंकित गोयल। और आज हम जा रहे हैं पिकनिक में। भैया बैठी है मेरे साथ में और भैया और जा रहे हैं गाड़ी में। खुशबू जी मेरे साथ जाएंगी बाइक में और हम जा रहे हैं अपने बाइकर ग्रुप, हमारी जो बाइकर फैमिली है उनके साथ पिकनिक में। तो हम आगे जाएंगे और जो हमारे बाइकर ग्रुप है, हमारी जो फैमिली है, वो पूरे हमें वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से कटा पत्थर और आज का जो हमारा नाइट स्टे है वो होगा कटा पत्थर में, एक जो रिजॉर्ट है वहाँ पर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, वहीं पर कुकिंग भी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। हमने खेलने के लिए सामान रखा है, बैग, क्या चीज़ नहाएंगे स्विमिंग पूल में नहाएगी ठंड में। तो हमने बैट बॉल भी रखा है, बैडमिंटन भी, चेस भी, लूडो भी, बहुत सारा सामान रखा है। और चलते हैं फटाफट से, हमारे भाई लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, चले बल चले भैया। यस, और इस गाड़ी में देखो दिव्या, ये देखो दीदा बैठी है, मम्मी बैठी है, भाभी और भैया। हेलो, चलो भाई खुशबू बैठो बैठो। तो यहाँ पर अभी हम भैया और आ रहे हैं गाड़ी से। हम सोच रहे हैं कि आगे कहीं से थोड़ा सा बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह, चॉकलेट और जूस वगैरह रख लेते हैं अपने साथ में। तो अभी हम पहुँचे हैं तेज भाई के। हेलो हेलो, तेज भाई है, शुभम भाई है और ये हमारे करण भैया है। अभी एक्टिवा में है और अभी करण भैया के जा रहे हैं टाइगर। आज मेरी कुछ नसीबी है कि बड़े बड़े राइडर्स के साथ जाने को मिलेगा मेरे को। चले, तो हमें जाना था करण भैया के घर पे और मुझे ध्यान नहीं रहा कि करण भैया ने नया घर ले लिया है और मैं पुराने वाले घर पे पहुंच गया। तो फिलहाल अभी हमने बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स लिया है, बाकी अंकुर भाई ने तो आगे ले लिया है। तो अभी हम पहुंचते हैं आशीर्वाद पेट्रोल पंप पे और वहां पर सबसे मिलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं आशीर्वाद पेट्रोल पंप पे और अंकुर भाई यहाँ पर हमारे साथ है। हम दो बनिए जा रहे हैं कटा पत्थर बनिए। देखो हमारी अगला आज आपका अग्रवाल और आपका भव्या, आपका अर्णव अग्रवाल, अरे वाह। और ये देखिए अंशुल भाई भी पहुंच गए हैं। जय श्री राम। वोट फॉर बीजेपी। नमस्कार। तीन बनी हो चुका है, तीन बनी है, एक बनी है, तीन बनी है, तीन बनी है, बिगड़ी है मत। चुके हमारे सानी भाई, आज की पूरी कुकिंग की जो जिम्मेदारी है वो भाई जी के पास है। क्या क्या बनाएंगे आज? आज हमारे पास है चिकन विंग्स है हमारे पास, चिकन में ग्रेवी भी बनाएंगे, साथ में हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, फिश भी बना लेंगे, फिश भी बनाएंगे, मच्छी आएगी, मच्छी आएगी, सब कुछ माल अंदर है और गड्डी जल अंदर है। और ये हमारे करण भैया की टाइगर। तो सारे भाई लोग आ चुके हैं, गदर बाकी आने वाले हैं और एक दो बंदे जो हमारे भाई साहब है वो आगे वेट कर रहे हैं हमारी। तो आगे चलते हैं सारे। दिव्या बैठ गई तो आराम से, चले फिर। तो आगे हम फिर दोबारा मिले हैं और यहाँ पर करण भैया की बाइक, हितेश भाई की गाड़ी ये है, अंकुर भाई की वो है और ये हमारे अंकुर भाई दूसरे वाले हैं वो है। दिव्या हमारे साथ बैठी, दिव्या मजा आ रहे? हाँ। ये शुभम भाई। तो हम सब ने प्लानिंग करी है कि गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, दो बाइक हैं, तो हम नागर रोड पर जाएंगे तो वहीं मिलेंगे। तो भविया अभी अपना गाड़ी में बैठ चुकी है और अभी दिव्या और मैं हैं और आगे हमारे करण भैया और जितने भी हमारे गाड़ी वाले भाई लोग हैं वो सब हैं पीछे। तो हम हल्के हल्के चल रहे हैं अपना जो रास्ता है उसका मज़ा लेते हुए। पहुँच चुके हैं सहसपुर और यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है जो लांगा रोड है, उस रोड पे जाएंगे हम। तो अभी हम पहुँच चुके हैं लांगा रोड के पास और ये जो सामने जो टर्न है ये है लांगा रोड। अभी हम वेट करेंगे यहाँ पर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लांगा रोड पे और जितने भी हमारे भाई लोग हैं गाड़ी के वो पीछे हैं, अभी आने वाले हैं। और ये देखिए ये है अंकुर भाई की गाड़ी और अभी धीरे धीरे करके आने वाले हैं।
दिव्या जी, कैसा लगा आपको बाइक में बैठ के? अच्छा लगा। इतना लंबा सफर आपने पहली बार करा होगा ना? हाँ। है ना। और हमारे करण भैया ने भी गन्ने का जूस का ऑर्डर दिया है, अभी हम पियेंगे गन्ने का जूस। भाई साहब मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, आज इतनी तेज धूप नहीं है मगर जो भी है मज़ेदार एकदम। और ये हमारे हितेश भाई की गाड़ी है, इस बार मेरे ख्याल से हितेश भाई दे रहे पार्टी अपनी लांट्रा जी। ये कौन है, ये कौन है? अरे गदरबाजी। अच्छा गदरबाजी ने नई गाड़ी ली है भाई, हमें पता नहीं। पार्टी दे रहा है, कंजूस लोग भी पार्टी देंगे आज। आज देंगे नहीं, मुझे लेंगे पार्टी। गदरबाजी कहेंगे साले तो मुझे कंजूस के। नहीं एक्चुअली आज गदरबाजी की पार्टी नहीं है, आज पार्टी हितेश की। आज हितेश भाई देगा पार्टी। सो दैट्स सो नाइस ऑफ हितेश दैट हितेश हैज डिसाइडेड टू गिव अस पार्टी टुडे। उनसे बाद में ले लेंगे ना, तो बड़े हैं उनसे पढ़े लेंगे, उनसे किसी होटल में लेंगे। हाँ जी नमस्कार। हेलो जी, बहुत मुबारक हो आपको नई गाड़ी की। भाई भाई हमें बहुत अच्छा सुन के लगा कि आप पार्टी देने वाले हैं गाड़ी की। वो तो करण भैया ने ऑर्डर करा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने का जूस पीना है? अच्छा। अंकुर भाई भी है और गन्ने का जूस सब पियेंगे आज। भव्या गन्ने का जूस पिएगी? बताओ पता पता जूस पीना है। मुझे लग रहा है भव्या भी सो के उठी है। सो के उठी है, सो ही नहीं है। शिवी गन्ने का जूस पीना है ना? इसको चीज खानी है। गन्ने का जूस पीना है? हाँ। आपको भी क्यों अच्छा नहीं लगता? आपको पीने? हाँ। चलो दो भैया बच्चों लोगों को दो गन्ने का जूस। तो भाजी अभी हमारे टोटल में 17 गिलास और कितना रुपए? 20 रुपए। तो कितना बनता है? 300 से ऊपर दे देनी चाहे 17 हो चाहे भाई, तो डिस्काउंट तो बनता है भाजी, है ना? दे रहा लौटा बढ़िया होलसेल में। तो भाई साहब सबने मिलके भाई साहब के सारे गन्ने खत्म कर दिए जूस पी के, और जो बच्चे थे वो देखो इन्हें। चूस लो भाई, चूस लो गन्ने, चूस लो। तो यहाँ से 15 किलोमीटर है भी हमारा रिजॉर्ट, तो फटाफट से चलते हैं। आप लोगों को ये दिखाते हैं भैया ने इंपोर्टेड वाली चॉकलेट ली है, ये बाहर से मंगाई है, बाहर गांव से। इसको पढ़िए ध्यान से, ये है क्रिकेट। और इसको भी कौन सी है भैया? डेयरी मिल्क। नाना डेयरी मिल्क, डेयरी किंग है। वाओ इंपोर्टेड चॉकलेट। ये तभी तो भैया गाड़ी में बैठो भाई, भैया गाड़ी में बैठो भाई, गाड़ी में बैठो फटाफट से। चलो भाई गाड़ी में बैठो, बैठो बैठो। तो आगे के पॉइंट है, और यहाँ से अगर हम जाएंगे लेफ्ट को तो ये जाता है कालसी विकास नगर के लिए, और हम यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट, और यहीं से कहीं से कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी। आगे देखते कोई जगह जगह जहाँ से कोल्ड ड्रिंक। लेफ्ट को गए हैं लांगा रूट की साइड में, और ये देखिए पूरा जंगल वाला एरिया है ना? हाँ। कैसा लग रहा है दिव्या? अच्छा है ना? हाँ। अरे वाह। और इस समय तो मौसम पूरा चेंज हो गया है, कल अच्छी खासी धूप थी परसों भी, और आज बादल आ रखे हैं और अब ठंडक आ रखी है यहाँ पर, है ना दिव्या? हाँ। मौसम हो गया चेंज, पहले सोच रहे थे वहाँ पर रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में नहाएंगे मगर लगता नहीं है कोई नहाएगा। हाँ। कितना बढ़िया रोड है ना। ये है मसूरी बैंड, और यहाँ से नौगांव जाता है सीधा और बड़कोट, और हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की साइड में कटापत्थर। अभी हम घूम हो गए थे, अभी सारी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, तो दिव्या भी कह रही चाचा लगता है हम गलत रास्ते से आ गए, मगर हम जा रहे हैं सब लोग। अब गाड़ी दिखी तो थोड़ा शांति मिली है, दिव्या ने सोचा पापा पता नहीं कहाँ चले गए। दो रास्ते हाँ,
चलो कोई नहीं। इस समय हम सारे साथ में हैं, यहाँ पर करण भैया हैं, आगे हमारी SUV है और ये देखिए महिंद्रा की गाड़ी। बहुत ही मजा आ रहा है भाई। तो यहाँ से हमने शॉप से कोल्ड ड्रिंक ले ली है और टमाटो केचप की ज़रूरत थी वो ले लिया है और अंकुर भाई भी साथ में है और बाकी सब आगे हैं। चले दिव्या और अंकुर भाई आप बाइक को मिस कर रहे होंगे क्या? मतलब मजा आ रहा है यार मुझे तो एंकर की। जब अंकुर भाई हम कन्याकुमारी टूर पे गए थे ना तो हमें इतना मजा आता था कि जो गाड़ी वालों को हम ओवरटेक करते थे ना भाई उसको आज अंकित भाई मुझे खूब चढ़ा रहा है। कोई बात नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलेंगे फिर साथ में भाई जी। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आ गया है कालसी और हम यहाँ से टर्न लेंगे तो ये जाएगा रास्ता कटा पत्थर के लिए और स्ट्रेट आपका आपका चक्रोता वगैरह भी जा सकते हैं। तो अब मुड़ते हैं हम कटा पत्थर के लिए। बच्चे लोग गाड़ी में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम तो बाइक में हमने आइसक्रीम भी खाई और चॉकलेट भी खाई। भव्य आप तो ट्रांसफर हो गए थे गाड़ी में। चलो चले बाय बाय। अरे वाओ चलो 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 हाथ अंदर करो बाय। तो वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना उसको क्रॉस करने के बाद आता है कालसी और ये जो रूट है ये अलग हटके है पूरा और ये जा रहा है रिजॉर्ट साइड और ये जो नदी है ना ये कहलाती है यमुना नदी। यमुना नदी ओके। यमुना नदी क्या नदी के किनारे खेत और ये साइड में जो पहाड़ है वो पूरा चक्राता वाला एरिया चला जाता है उधर हिमाचल लग जाएगा आपका ना। हाँ। आगे जाके रिसॉर्ट आएगा। और ये देखिए यमुना नदी का क्या व्यू है ना। हाँ। और हमारा होटल कटा पत्थर है यही वाला है मेरे ख्याल से ना शायद होटल कटा पत्थर यही वाला लग रहा मुझे तो। हाँ। चलिए देखे देखते हैं पे नदी कटा पत्थर और ये आ चुका है हमारा रिसॉर्ट। और अभी भाई बहुत पहले आ चुके हैं तो फाइनली पहुंच गए हम अपने रिसॉर्ट में। पूल भी है वहाँ पे। तो ये है हमारा कटा पत्थर रिसॉर्ट और सामने है स्विमिंग पूल और सामने देखेंगे तो है आपका यमुना रिवर। और अमित भाई पहले पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पार्क हो रही है। अब उतर जा दिव्या बैठी रहेगी क्या बाइक में। तो अभी पहुंच गए हम यहाँ पर और सबसे मिलवाएंगे और खूब मस्ती हो रही है आज को। और यहाँ पर अपनी जो बाइक है वो हो चुकी है पार्क और बच्चे ने भैया भागना दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। झूले हैं यहाँ पर अब लड़ेंगे झूले के लिए पक्का लड़ेंगे। अब रिजॉर्ट में एंट्री होने वाली है टाइगर। भैया कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है यार इसमें। आवाज़ आ रही है कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही कुछ दिखा रहे आप ठीक है। और आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का नया आईफोन 13 है। मजा आ रहा भैया भाई पीछे फोटो खींचना भैया प्लीज आईफोन 13 से मजा आएगा भैया। तो ये है अपना कटा पत्थर होटल रिजॉर्ट और आपको दिखाते हैं ये है स्विमिंग पूल और इस समय हल्की सी धूप आ चुकी है तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के लिए भी है और यहाँ बड़े भी नहा सकते हैं आराम से। और अभी सारे अपने लोग आ चुके हैं भाई लोग कुछ झूले में बैठे हैं बच्चे उधर झूला झूल रहे हैं और बाकी प्लानिंग चल रही है कि नहाने की क्या क्या करें नहाएंगे या नहीं नहाएं तो देखते हैं। भाई जी कौन कौन नहाएगा आप नहाएंगे भैया? चश्मा लगा भैया जरूर नहाऊंगा। नहाएंगे आप नहाएंगे भैया? हाँ नहाऊंगा मगर आप तो आपने ला नहीं रखी अपनी चड्डी। मैं भी नहाऊंगा। नहीं चड्डी हम ला रखे हैं। ओके स्विमिंग वाली दिक्कत नहीं। ओके भैया सॉरी आप भी नहाएंगे 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 भाजी भी नहाएंगे भाजी आप यहाँ पर पूल में नहाएंगे नदी में नहाएंगे? मेरे को तो ससुराल। अरे भाजी किया था
तो अपना प्रोग्राम है, सबसे पहले खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है सबको। और खाने में हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था कढ़ी चावल, और उसके बाद देखते हैं कि जिसका मन करता है स्विमिंग पूल में नहाने का या ना नहाएंगे, जो भी करते हैं सबसे पहले खाना खाएंगे। और ये है अपना रिसोर्ट। चलो भाई अभी बहुत बढ़िया। भाजी आपने बैग रूम बुक कर लिया पहले? मम्मी को आपको बोल दिया। बहुत बढ़िया, करण भैया रूम बुक कर लिया पहले? बढ़िया। हम भी देख लेते हैं भाई को रूम देख लो। सामने वाला रूम देख लेते हैं बस। है क्या 102 पे? अबे 102 पे है कोई? 102 पे कोई नहीं है तो अपना रूम हो गया है 102। और मम्मी का रूम है ये बगल वाला, दिव्या मम्मी के साथ ही रुकेगी। अंकुर भाई आप कौन सा देख ले? ये ला देख लो, पूरा रिजॉर्ट नया है, कमरे बहुत ही साफ सुथरे हैं। और अंकुर भाई यहाँ पर रहेंगे तो अपना सामान पटा। हेलो बोलो। हेलो हेलो। तो अपना सामान रखते हैं फटाफट से रूम्स में और करते हैं लंच। होटल में पहुंचने के बाद सब लगे हुए थे कौन सा रूम लेना कौन सा लेना। तो मम्मी और ने जो नीचे वाला रूम है 101, भैया को 102, बाकी सब नीचे वाले जो रूम है फुल हो चुके थे। उसके बाद हमने लिया है ऊपर वाला रूम 208 नंबर, और अच्छा रूम है काफ़ी। ये है अपना ये रूम। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफ़ी हल्ला और था, कौन कौन सा रूम लेगा कौन कौन सा नहीं लेगा, तो सब ने अपने अपने रूम चूज़ कर लिए हैं। और अब सब पहुँच चुके हैं मेरे ख्याल से लंच के लिए, काफ़ी लेट हो चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं। और अब सामने है इनका मैस, वो सामने इनका मैस है, तो वहीं चलते हैं और करते हैं लंच। तो यहाँ पर है मैस, और खाने में क्या है बोल? क्या खा रहे बोल? कढ़ी चावल रोटी। रूम पे बस सामान सुमान रखा था अभी आगे। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे लगे हुए हैं लंच करने में। तो भी यहाँ पर हमने कढ़ी चावल रोटी खाई है, छाछ पिया, मज़ा आ गया। और बच्चे कह रहे हैं कि पापा स्विमिंग पूल में नहाना है, तो चलते हैं पूल के पास। यहाँ सब बैठे हुए बातें करने में लगे हुए हैं, और बच्चे लगे हुए हैं अपना बाहर। पूल के पास चलते हैं भाई। किस चीज़ को नहाना है? नहाना है भैया। भव्या कह रही है उसे नहाना है। आ जाओ। अमित भाई, तो अमित भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, है? बहुत पानी है, बहुत मजेदार। और वो देखो वहाँ पर ये, ओ भाई बहुत बढ़िया। और बच्चों के लिए छोटा सा जकूजी है, यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं और बाकी सोच रहे हैं जाए ना जाए। तो भैया गाने चालू हो गए हैं और करण भैया कुकी की तैयारी कर रहे हैं। भैया कौन सा फ्लेवर है? बनाना। और दिव्या और भव्या पूल के मजे ले रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? वो बहुत गहरा है बेटा, वो बहुत गहरा है, इस वाले में ना हो। नहीं वो तो बहुत ज्यादा गहरा है, खुशबू नहीं ला दे इसे। मैं नहीं लाऊं, क्या मैं नहीं लाता हूँ, बिल्कुल नहीं डुबाऊंगा। और इधर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और थोड़ी ही देर बाद सनसेट हो जाएगा और उसके बाद आने वाला है मज़ा। भाभी डरते नहीं है, जाते हैं। पापा की उंगली पकड़ो, चलो अंदर चलो। क्यों डर रही? हाँ लेके जा फटाफट, जा फटाफट अंदर जा ना। मम्मी गई भी, ठीक है बेटा चल फटाफट चल। बेटा बंदे ताऊ जी बोल देंगे, बाहर आ जाओ फिर ताऊ जी गुस्सा करेंगे फिर। अरे 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 आराम से चल, बैठ जा बैठ, अंदर डरते थोड़ी ना, ये देख कैसे काँप रही। आहा, तो रिजॉर्ट के बाहर ही एकदम आप देखेंगे ये है यमुना। तो भाई जी यमुना ही तो है ना? हाँ, इस साइड में मैं पहली बार आया हूँ। होटल कठापत्थर, यमुना रिवर, और इस समय क्या व्यू आ रहा भाई, ज़बरदस्त। यहाँ बच्चे लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक शिकनिक हो रही है, और भाई साहब इस समय शांति एकदम, और थोड़ी ही देर में सनसेट हो जाएगा। और यहाँ पर छोटा सा मंदिर भी है, और इस समय भाई लोग अपना फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, थोड़ा सा हुक्का है,
और हमारे जो गदरबाजी वगैरह है वो आगे जा रखे उधर। कौन है ये? ये आप हो। आपका गुड नेम? आपकी बारी, आपकी बारी। अम्मा दो। दिखा? ठीक है तो भी ठीक है मेरी। जाओ पापा के पास जाओ। ये ब्राउन मुंडे लगा। बस मेरे भाई बस। अरे हो गया। और इस समय अमित भाई की फोटोग्राफी चल रही है। हंसो, चलो 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 चलो। क्या कर रहे हो आप? चिप्स खा रहे हो? है अच्छा लग रहा है। ये कौन है? मामा शानवी। शानवी ये क्या है? क्या खा रहे हो आप? ये पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा ले दिव्या, तुझे बैडमिंटन नहीं खेलना आता है? देख कैसे खेल रही तू। सही से खेल, ये देख कैसे मारा शॉट। सही से खेल, देख ए बच्चा यही क्या कर रही शिवी। अभिराज आप अकेले क्यों बैठे हो? आप अकेले क्यों बैठे हो ऐसी क्यों है? बच्चों के साथ खेल लो। आप नहीं खा रही कुछ? क्या खाया? कौन सा? येल्लो। ये शिवी थैली दे दे यार मुझे। शिवी थैली दे दे मुझे। इसकी बनाओ। चलो फिलहाल तो इसकी बनाओ, इसकी बनाओ। नहीं नहीं देखो रिकॉर्डिंग बन रहा। देखो देखो गरीब आदमी ना, गरीब आदमी ड्रोन शॉट कैसे खींचता है। मतलब हम सारे यहाँ पर खड़े हुए बात कर रहे हैं, मगर मुझे एक चीज का ताज्जुब है कि वहाँ पर इतनी सारी लेडीज बैठी वो भी चुपचाप से। ये बात तो है, लेडीज है ना। मतलब इतनी इतनी सारी लेडीज चुपचाप से बैठी हुई है तो मतलब कुछ बात हजम नहीं हो रही। मतलब अभी यूट्यूब में डाल के वायरल कर रही है सारी लेडीज। ना ना सोच रहा हूँ शुरू में करूँ या कौन करेगा। मैं अपने पति पति को क्या बोल, देख देख ऐसी होनी थी लेडीज। आज हमने जितनी भी लेडीज है सबको आराम दिया है और अभी हम यहाँ पर सैलेड काट रहे हैं, उसके बाद चिकन की तैयारी करेंगे। तो अब काटते सैलेड, बहुत सारा है, प्याज है, टमाटर है, चुकंदर है, मूली है, बहुत सारा सामान है। तो अभी सैलेड काट चुके हैं, हाथ पूरे चुकंदर से लाल हो चुके हैं, प्याज मूली सब कुछ काट दिया हमने पूरा पतीला भर के। अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। और यहाँ अंकुर भाई, शिवम भाई बालकों के साथ बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, ऐसे उदास बैठे हुए क्योंकि अंदर देखो जुआ चल रहा है। अंदर अंदर थम्बोला खेला जा रहा है। 20,000 रुपये की है हमारे से 20-20 का नोट लेके गए थे, उसमें 2 जीरो लगा दिए। चलो अपने रूम पर अपना ड्रोन का बैग रखता हूँ, उसके बाद तो आराम से बाहर बॉनफायर में बैठेंगे। कौन जीत रहा है भाई? है कितने की चाल चल रही? 20,000 की? 10,000। तो कल हम यहाँ पर कटा पत्थर रिजॉर्ट भी कह सकते हैं, ऐसे होटल भी कह सकते हैं, यहाँ पर आए थे हम। और कल हमने काफ़ी इंजॉय करा यहाँ पर। रात को हमने सामने वहाँ पर बॉनफायर करा था, बच्चों ने खूब यहाँ पर खेला, झूला झूला, लेडीज़ ने भी खूब अंदर थम्बोला वगैरह खेला था। और रात के टाइम वीडियो काफ़ी बना नहीं पाए थे क्योंकि फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, मगर खूब मज़ा आया यहाँ पर। खाना वगैरह खाया था हमने, कुकिंग करी थी। और रात को अंकुर भाई की वजह से हम 2 बजे अपना सोने गए थे, मगर जल्दी जल्दी छोड़ दिया मैंने, जल्दी छोड़ दिया भाई। और ड्यू पे भाई ने पूरा कब्जा कर रखा है और भाई साहब अभी हिसाब कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम हिसाब किताब करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने घर। आज वोटिंग डे है तो आज हमें वोट भी डालना है। तो सबने खूब इंजॉय करा है यहाँ पर, खूब मस्ती करी, और रेट भी आपके रीजनेबल है, खाना भी बहुत बढ़िया है, रूम वगैरह का सब कुछ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो हमारे बाकी सब भाई लोग जा चुके हैं, हम 3-4 फैमिली हैं। और भाई लोग कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? अंकुर भाई बताइए। बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, और हमेशा ही बढ़िया रहता है। इस बार ये अच्छा रहा कि हम लोगों की गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर हो गई। अंशुल भी आया बड़े दिनों बाद, बाकी हम लोग तो सब आते ही हैं। जितने ज़्यादा लोग होते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा परिवार, उतना अच्छा लगता है।
बाकी अमित जी के सौजन्य से बहुत बढ़िया काम हुआ और बाकी सबका साथ सबका विकास होता है। तो हमारी बीजेपी की साइड से नहीं बोल रहे, ये हमारा आपकी मन की बात है, ये मेरे मन की बात है। जैसे मोदी जी वहाँ बोलते हैं, मैं अपने बीजेपी मतलब सॉरी ब्रदरहुड बाइकर का मीडिया प्रभारी हूँ, तो इस बात को कहते हुए मैं लगता हूँ कि सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है और हमारी जो फैमिली है ब्रदरहुड बाइकर्स की, उसका भी विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अभी हम लोग बैठे हुए थे, अंकुर जी ने कहा अमित मज़ा आ गया, सच में ये रिलैक्स मोमेंट है, बहुत बहुत मज़ा आया, खूब अच्छा लगा अंकित भाई की फैमिली के साथ हम सब। और सबसे बढ़िया बच्चों को देख, बच्चे जिस हिसाब से खेल रहे थे घूम रहे थे उनको देख के और मज़ा आया कि बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे और जो तो हमारी जो लेडीज हैं बेचारी घर पर लगी रहते हैं पूरे दिन काम, इस समय तो बोलते हैं भाई आज वैलेंटाइन डे तो उनकी भी तारीफ करनी बनती है, तो उनको भी अच्छा लगा सब कुछ, है ना भैया। इधर दिखा दीजिए पूल के साथ, वो देखिए देखिए आराम से बैठे हैं पूल के किनारे मम्मी जी भाई भाभी और इधर भी, और ये देखिए दोनों को हल्का सा कैमरा इधर हुआ और दोनों स्टार्ट हो गए उधर हमारी भाभी जी वगैरह सब। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और चारों तरफ शांति एकदम, सामने यमुना नदी बह रही है कि नहीं भाई जी। तो भैया हैप्पी वैलेंटाइन डे और वोट ज़रूर करें और हम भी जा रहे हैं वोट करने के लिए, ठीक है, शुक्रिया, जिंदगी, नमस्कार।